ओके जी, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। इंडिपेंडेंट सैंपल क्या है? दो मुख्तलिफ लोगों से डाटा लिया, डरे हैं कि नहीं डरे, और डरने की वैल्यू कैसे मेजर किया, इससे मतलब नहीं, उनका कोई ना कोई पैरामीटर होगा, उन्होंने वैल्यूज दे दी। अब डाटा एंटर करने का तरीका क्या है? जब भी इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट लगाना है, आपके कितने ग्रुप होंगे भला? दो। एक ग्रुप को जीरो कर दें, एक ग्रुप को क्या कर दें? और दूसरे ग्रुप को क्या कर दें? वन। दूसरे ग्रुप को क्या कर देंगे? जीरो मीन एक स्नैरियो, वन मीन दूसरा स्नैरियो, या इसको वन कर दें, इसको टू कर दें, पर दोनों में डिफरेंस होना चाहिए। ये उनके आउटकम वैल्यूज हैं, ये दोनों क्या है? हमने इस रो को, इस रो से 10 लोग उठाए और इस रो से 10 लोग उठाए, इस रो पे 10 लोगों को जीरो रिप्रेजेंट कर दिया, इस साइड पे लोगों को वन रिप्रेजेंट कर दिया, इनको पिक्चर दिखाई, इनको स्पाइडर दिखाया। अब ये देखना चाहते हैं दोनों में से डरने वालों कौन से लोग ज्यादा डरे, क्या ये डरना का जो एसोसिएशन है, जो डरना और ना डरना स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है कि नहीं। दो सिनेरियो, दोनों इंडिपेंडेंट, दोनों की रिलेशनशिप चेक करना है, और डाटा एंटर करने का तरीका क्या है कि आप तमाम लोगों की वैल्यूज में जो ग्रुप ए एक ग्रुप से तले रखते हैं उनको एक नंबर दे दें, जो दूसरे ग्रुप से तले रखते हैं उनको क्या कर दें? सेकंड नंबर दे दें। ये डाटा सेट भी मैं आपको उस ईमेल में सेंड करूंगा ताकि आप इसी प्रैक्टिस को लेकर चल सकें। क्लियर है? ये डाटा सेट भी मेल हो जाएंगे। एनालाइज, कंपेयर मीन और इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। एनालाइज, कंपेयर मीन, हम कंपेयर करने लगे हैं, और इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट लगाना हमने। इंडिपेंडेंट, दो मुख्तलिफ सिनेरियो, दो इंडिपेंडेंट सिनेरियो, दो सिनेरियो को आपस में कंपेयर करना है। इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, ये ग्रुप जीरो रिप्रेजेंटेटिंग वन सैंपल, ग्रुप वन रिप्रेजेंटेटिंग अनदर सैंपल। क्लियर है? यस सर। क्लियर है सर? क्लिक कर दिया। दो किस्म के वेरिएबल हैं, किस वेरिएबल को टेस्ट करना है? सर जो लोग डरे, एंजाइटी जिनमें आई उसको टेस्ट करना है। एंजाइटी को किसमें डाल दिया? टेस्ट वेरिएबल में। अब वो कहता है ग्रुप बताओ कि वेरिएबल ग्रुप कहां लिखे हैं। जी हमने स्पाइडर या पिक्चर, मैंने वो इसमें डाल देना है। ये ग्रुप क्वेश्चन मार्क आ रहे हैं। डिफाइन ग्रुप्स, एक ग्रुप का नाम जीरो है, एक ग्रुप का नाम वन है। नाम न्यूमेरिकल होना चाहिए। नाम क्या होना चाहिए? कंटिन्यू। मैंने कहा जी एंजाइटी चेक करके बताओ दो ग्रुपों की, एक ग्रुप जीरो है, एक ग्रुप क्या है? कुछ भी नहीं करना, वैल्यू डाली, ग्रुप डाला, ग्रुप की वैल्यू जीरो वन लगा दी। ओके कर दो जी। टेस्ट रन हुआ, हमारे सामने टेस्ट की वैल्यूज आ गई। अगर इनको मैक्सिमाइज किया जा सके, या मैं आपके सामने बताता हूं, उसे दो टेबल निकाल ले। टेबल नंबर वन पिक्चर और रियल स्पाइडर, दोनों में 12-12 वैल्यूज, इसका मीन आया 40, इसका मीन आया 47, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 9 पॉइंट समथिंग, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 11 पॉइंट समथिंग, स्टैंडर्ड और मीन जरूर नहीं, 40 और 47 आ गया। अब हमें पता चलता है मीन से, जिसका मीन कम वो कम डरे, जिसका मीन ज्यादा ज्यादा डरे, बट वी नीड स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस लेवल। उसके लिए सेकंड टेबल है इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। कौन सा टेस्ट है? इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में जाने से पहले आपके लिए जरूरी है, आपके लिए जरूरी है, यह है लेवन, LEVEN apostrophe S, लेवाइन टेस्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ वेरियंस, लेवाइन टेस्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ वेरियंस। ये एक टेस्ट है, जिस तरह हर सिनेरियो से पहले आपने एक अजम्पशन मीट करनी है, ये नॉर्मलिटी कैटेगरी अजम्पशन है, लेवाइन टेस्ट ऑफ नॉर्मलिटी अजम्पशन इक्वल वेरियंस। ये सिग्निफिकेंट वैल्यू आ रही है 0.386, ये सिग्निफिकेंट है कि इनसिग्निफिकेंट है? सिग्निफिकेंट 0.386, ये 0.05 से कम होगी तो सिग्निफिकेंट है, ज्यादा होगी तो इनसिग्निफिकेंट है। यहाँ 0.386 आ रही है तो वैल्यू क्या है? अब जो लिखने की बात है, जो किताबें कम लिखती हैं वो लिखिए कि लेवाइन टेस्ट हमेशा, लेवाइन टेस्ट हमेशा इनसिग्निफिकेंट होना चाहिए। जो लेवाइन टेस्ट का वेरियंस है ये क्या होना चाहिए? इनसिग्निफिकेंस होना चाहिए। इनसिग्निफिकेंस होने का मतलब ये है, ये 1 से ज्यादा है, इसको मल्टीप्लाई 100 कर ले, 38% आ रहा है।
5% कम कर दिया, 38% आ गया। तो लेवाइन टेस्ट क्या है, तो इनसिग्निफिकेंट क्यों हो रही है, इनसिग्निफिकेंट क्योंकि इसकी अजम्पशन क्या है, ये इनसिग्निफिकेंट क्या है कि दोनों सिनेरियो में वेरियंस इक्वल है, दोनों सिनेरियो में क्या है भाई, जब दोनों में वेरियंस इक्वल है फिर रिसर्च क्यों कर रहे हैं। हाँ, मैं तो ये रिसर्च मालूम करनी है कि दोनों में वेरियंस इक्वल, दोनों में वेरियंस इक्वल, अगर दोनों में वेरियंस इक्वल है कि वो भी उतना डरे वो भी उतना डरे फिर रिसर्च क्यों कर रहे हैं। तो लेवाइन टेस्ट ये कहता है अगर वो सिग्निफिकेंट हो जाए तो दोनों में वेरियंस इक्वल है, ये हमारा डाटा सही नहीं है, रिसर्च खत्म, हमने सब बायसनेस किया है, इसका मतलब पिक्चर देख उसको देख लो डरे नहीं, फिर लोग जो है वो तो फिर हो गए वो काफर करने वाले हैं, हो सकता है ना। तो मतलब यह है कि लेवाइन टेस्ट इनसिग्निफिकेंट का मतलब है कि दोनों में वेरियंस है, वेरियंस होगा तो एसोसिएशन निकलेगी, वेरियंस नहीं होगा तो एसोसिएशन है। अब वेरियंस इक्वल नहीं होना चाहिए, एक का वेरियंस कम एक का वेरियंस, तो वो वैसे भी नजर आ रहा है मीन से, एक की वैल्यू कम एक की वैल्यू ज्यादा है, तो नजर आ रहा है कि लेवाइन टेस्ट या इनसिग्निफिकेंट बनता है। तो मैं लेवाइन टेस्ट की अजम्पशन बता रहा हूं कि लेवाइन टेस्ट शुड ऑलवेज बी इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट का मतलब है कि दोनों में वेरियंस इक्वल है, अगर वेरियंस इक्वल नहीं होगा तो एसोसिएशन आएगी ना, जब वेरियंस इक्वल होगा तो एसोसिएशन नहीं निकलती, फिर वो वन आंसर आ जाता है, नो कोरिलेशन, इज इट क्लियर। ये हमारा प्रूव हो गया। अब हम लोग टी टेस्ट की देखेंगे सिग्निफिकेंस, तो टी वैल्यू आ रही है 0.107, 10.7%, 5% से ज्यादा, तो लिहाजा दोनों के दरमियान एसोसिएशन नहीं है, दोनों के दरमियान एसोसिएशन नहीं है। ये बात सच है कि जिन लोगों ने रियल स्पाइडर देखा वो ज्यादा डरे, 47 नहीं बता रहा है और वो 40, बट स्टैटिस्टिकली इट्स एन इनसिग्निफिकेंट रिलेशनशिप, स्टैटिस्टिकली इट्स एन इनसिग्निफिकेंट रिलेशनशिप, इट मीन कि जरूरी नहीं है कि पिक्चर दिखाने वालों की निस्बत स्पाइडर दिखाने वाले ज्यादा डरे, ठीक है, दोनों का लेवल सेम हो सकता है, ये मेरी अजम्पशंस हैं। बात कहने का मकसद ये है, आपका हाइपोथेसिस था कि जो पिक्चर दिखाई गई और जिनको स्पाइडर दिया गया दोनों में डिफरेंस है, पर टी टेस्ट बता रहा है कि दोनों में डिफरेंस है, नॉट और कि मीन वैल्यू से डिफरेंस नजर आता है, पर वी नीड अ सिग्निफिकेंस लेवल और अंडर 5%, हमारा 10% चला गया तो स्टैटिस्टिकली आप इन रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और इसी तरह लिखेंगे कि विद रिगार्ड टू इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट और टी टेस्ट वैल्यू विद डिग्री ऑफ फ्रीडम विद सिग्निफिकेंस वैल्यू विद मीन फॉर पिक्चर 40 रियल मीन 47 देयर इज नो सिग्निफिकेंट एसोसिएशन बिटवीन पिक्चर एंड रियल पार्टिकल्स। कि आपके लिखने पर डिपेंड करता है वैल्यूज कौन कौन सी चूज करते हैं, जो आपके बेसिक पेपर में वैल्यू लिखी है वही यहाँ पे उठा लेनी है और उनको आपने रिपोर्ट कर देनी है। दिस इज टू सिनेरियो इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, किसी बाइक का मसला हो किसी बैंक ये लगा लेंगे, दोबारा बताता हूं, एनालाइज कंपेयर मीन इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, एंजाइटी को उधर ले गए, ग्रुप्स को आप लोगों ने उधर लेके जाना है, जब ग्रुप उधर जाएंगे फिर बताना है कि ग्रुप वन का मतलब क्या है, ग्रुप टू का मतलब क्या है, क्योंकि यहां से दो ग्रुप को टेस्ट करते हैं तो आपका ये आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया, एक ग्रुप आपका लग गया। अब आप लोगों का सेकंड ऑप्शन है, सेकंड हमारा कौन सा था, डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, डिपेंड जी जी पेड सैंपल टी टेस्ट। पेड सैंपल में क्या था, इसमें था इंडिपेंडेंट में दो डिफरेंट सिनेरियो थे, उनको रिलेट किया, अब एक ही से दो दफा डाटा लिया, एक ही रिस्पॉन्डेंट से, तो एक दिन हमने उनको पिक्चर दिखाई और वेरी नेक्स्ट डे उनको क्या दिखा दिया, तो क्या ये लोग डरे कि नहीं डरे, हो सकता है ना, मतलब उनको पिक्चर दिखाई थी वो कह रहे थे अगले दिन क्या, आज हम आपको स्पाइडर दिखा रहे हैं, वो डब्बा बोलते हैं डरे हुए हैं, पिक्चर है ऐसे ही है, आप जब नेक्स्ट डे है उनको तो वही ज्यूम होगा ना कि पिक्चर है, डब्बा बोलते हैं तो स्पाइडर आओ ये क्या होता है। बिटवीन मैं एडवांस पे प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि इस सिनेरियो में सिग्निफिकेंट एसोसिएशन हो सकती है कि यहाँ पे लोग डरे होंगे,
इस सूरत में डाटा एंटर करने का स्टाइल बदल जाएगा। इधर डाटा इस तरह एंटर करते हैं इंडिपेंडेंट सैंपल में, जब पेयर सैंपल टी टेस्ट होता है उसमें डाटा ऐसे एंटर करेंगे, उसमें एक लैदा ग्रुप मतलब एक दिन का डाटा, दूसरे दिन का डाटा, उसमें एक ही दिन का डाटा और दो लैदा ग्रुप थे, यहाँ एक दिन का डाटा दूसरे दिन का डाटा, या एक रिस्पॉन्डेंट पे एक सिनेरियो एक पैरामीटर का डाटा दूसरे पैरामीटर का डाटा, तो यहाँ पे दो डाटे आपके पास है एक ही रिस्पॉन्डेंट पे, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे कौन सा टेस्ट रहेगा, सेम वही स्टेप है, उसके नीचे इंडिपेंडेंट के नीचे चले जाना है, एनालाइज कंपेयर मीन और आपका पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट, पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट, क्लियर है। पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट ये आपके सामने आ गया, वो कहता दो कंडीशन दें जी, तो मैं दोनों को चूज करता हूं और सेंड कर देता हूं, ये पहले से भी था इसको रीसेट, तो मैं दोनों कंडीशन को भेज देता हूं, तो ऑटोमेटिकली वो एक वेरिएबल को एक में दूसरे को खुद में ले जाएगा, कुछ भी नहीं करना आपने और ओके प्रेस कर देना, चल है मुश्किल तो नहीं है, ओके। ये आपके सामने आउटपुट आ गई उसकी, ये आउटपुट है, ये आउटपुट में पेयर सैंपल मीन 40, 47 बार लोग स्टैंड एविएशन, वही पेयर सैंपल कोरिलेशन, दोनों में कोरिलेशन है लेकिन वो स्टैटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट है, पेयर सैंपल में कोरिलेशन है लेकिन वो स्टैटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट है, 0.067 है तो इनसिग्निफिकेंट है, लेकिन इस कोरिलेशन को नहीं हम देख रहे, हमने देखना है टी टेस्ट को, किसको देख रहे हैं टी टेस्ट में, अगर जाएंगे पेयर सैंपल में तो आपकी सिग्निफिकेंस वैल्यू आ रही है 0.03, क्या वैल्यू आ रही है 0.05 से क्या है कम है, इट मीन देयर इज अ सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द पर्सन हु सॉ रियल पिक्चर एंड पर्सन हु सॉ स्पाइडर विद द मीन 40 and 47। हां लोग डरे, लोगों में एंजाइटी इफेक्ट हुई, जब रियल पिक्चर दिखाई उनका मीन 40 था, जब रियल पिक्चर उनको जगह स्पाइडर दिखाया गया वो ज्यादा डरे, और ये स्टैटिस्टिकली क्या है कोरिलेशन पे मैं नहीं जा रहा, कोरिलेशन का तल्लक नहीं, मेरा तल्लक ये है कि क्या टी टेस्ट कह रहा है कि इनकी सिग्निफिकेंस है, क्योंकि बहुत सारी वैल्यूज ऐसी होंगी जो यहां पे सिग्निफिकेंट ही सिग्निफिकेंट है, बट आवर कंसर्न इज विद टी टेस्ट, जहां पे कोई लेवेंट टेस्ट नहीं है वहां पे लेवेंट टेस्ट होता है, यहां पे आपने भी टी वैल्यू देखी है वहां भी आपने टी वैल्यू देखी है, यहां टी वैल्यू सिग्निफिकेंट आ रही है, और मैंने आपको रीजन भी बताई है वो बच्चों के देने की इमेज गलत हो गया था उस वजह से, अगर उन्हीं को सेम डाटा पे टेस्ट करेंगे ये नॉर्मल टेस्ट, ये पैरामेट्रिक लग रही है, ना नॉर्मल नहीं है, ये पैरामेट्रिक टेस्ट है सर, नहीं मैंने एक ही सिचुएशन को आपके लिए किया ना, उसको ना देखे, मैंने कहा कि वो डाटा दो मुख्तलिफ लोगों से लिया, ये एक ही बंदों से दो दफा डाटा लिया, मैंने डाटा वही यूज किया आपकी सूरत के लिए, ये क्लियर हो गया। ये था अगर आपने एक दो बंदों से डाटा लिया, एक था एक ही बंदे से दो दफा डाटा लिया, अब आपने दो से ज्यादा लोगों से डाटा लिया तो फिर आपका क्या लगेगा वन वे नोवा, मैंने उसकी एग्जाम्पल क्या ली है, मैंने उसकी एग्जाम्पल रखी है अनोवा में, वो एग्जाम्पल क्या है, तीन लोग हैं फर्ज करें, ये पेशेंट नंबर 1, 2, 3 15 पेशेंट है, डाटा एंटर करने का तरीका मैंने क्या बताया था कि एक को कोड लगा दो 1, एक को कोड 2, एक को कोड क्या लगा दो 3, अगर 4, 5 वो आप कोड लगाते जाए, आपके अगर ज्यादा रिस्पॉन्डेंट आते जाते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे तीन मुख्तलिफ लोग लिए, तीन मुख्तलिफ सिनेरियो लिए, आप इसको ज्यूम ये कर ले कि हमने तीन मुख्तलिफ किस्म के लोगों को लिया, मैं बता रहा हूं ना कि हमने तीन पेशेंट्स थे, फीवर था उनको, बुखार था, हमने एक को पैनाडोल दे दी, एक को हमने एरिनेक दे दी, एक को हमने कारबोल खिला दी, चले व्हाटएवर, आप ये पांच ने कोई भी एक मेडिसिन 1 ली, इन्होंने मेडिसिन 2 ली, इन्होंने मेडिसिन 3 ली, एग्री, उन्होंने अपना सेटिस्फेक्शन लेवल दिया, हमें क्या दिया, दो से ज्यादा सिनेरियो हो गए ना, तीन सिनेरियो इसके अंदर इन्वॉल्व है, आप क्या करें एनालाइज कंपेयर मीन और वन वे नोवा, उसी में सारे एनालाइज
कंपेयर मीन वन वे अलोवा, प्रेस करते ओके जी, इंडिपेंडेंट, तीनों इंडिपेंडेंट है ना, तीनों पेशेंट इंडिपेंडेंट है, उनका आपस में कोई तल्लक नहीं है, पांच एक ग्रुप में, पांच एक ग्रुप में, पांच एक ग्रुप में, पांचों को, तीनों को लादा लादा मेडिसिन दी, तीनों को बीमारी एक है, तीनों को बुखार है, पर तीनों को मेडिसिन लादा लादा दी, और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा वाला, सेटिस्फेक्शन, क्लियर है, और फैक्टर कौन सा वाला, मेडिसिन, फैक्टर कौन सा है, मेडिसिन, और बाकी तो मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं करना आपने, नथिंग, कुछ भी नहीं है ये, बाकी कुछ भी नहीं छेड़ना, किसी के साथ कोई मसला नहीं करना कुछ भी, अगर इसमें जाते हैं आप लोग ऑप्शंस में, ऑप्शंस में बाकी नहीं छेड़ना, अगर आप वन में नोवा लगा रहे हैं, दो से ज्यादा सिनेरियो है, ऑप्शन में जाएं, डिस्क्रिप्टिव ले लें, होमोजेनिटी ऑफ वेरियंस, वो लेमाइन टेस्ट और मींस प्लॉट, ये एक ग्राफ बना देगा, तीन टेस्ट चूज कर लें, अगर आप रिपोर्ट करना चाहते हैं, ये अक्सर एनजीओ को चाहिए होते हैं डाटा के अंदर या छोटी सर को चाहिए होते हैं, ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, डिस्क्रिप्टिव ऑप्शन में क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्टिव होमोजेनिटी ऑफ वेरियंस मींस प्लॉट, आपने डिपेंडेंट वेरिएबल में डेटा डाल दिया, फैक्टर में आपने वो तीनों फैक्टर बता दिए, कंटिन्यू, क्लियर है, ओके, ये आपका टेस्ट डन कर रहे हैं, ओके जी, ये आपके सामने उसने तीनों का सिनेरियो बता दिया, वो कहता है मेडिसिन ए, मेडिसिन बी, मेडिसिन सी, पांच पांच लोगों को दी गई थी, पहले लोगों का मीन है 2.2, दूसरे का मीन है 3.2 और तीसरे का मीन है 5.0, पहले की वेरिएशन 1.3, दूसरे की वेरिएशन 1.3, तीसरे की वेरिएशन 1.5 है, क्लियर हो गया, तो तीनों में जो नजर आता है जिसका मीन ज्यादा है वो है मेडिसिन सी, के मेडिसिन सी जिन लोगों को दी गई थी वो ज्यादा सेटिस्फाई है, बट वी नीड स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस इस अजम्पशन को प्रूव करने के लिए, उससे पहले हम लेवाइन टेस्ट की स्टैटिस्टिक पे जाएंगे, 0.913, इसका मतलब क्या है कि तीनों के दरमियान वेरियंस इक्वल है, इसका मतलब तीनों के दरमियान डिफरेंस है, वो लेवाइन टेस्ट बता रहा है, क्योंकि उसके सॉल्यूशन है, अब आ जाइए आप टी स्टैटिस्टिक पे, तो टी स्टैटिस्टिक क्या आ रही है, 0.025, 2.5%, इट मीन के हम लोगों ने जो मेडिसिन दी उसका डिफरेंस है, इसका मतलब क्या है कि जो मेडिसिन जिसका मीन ज्यादा होगा वहां से लोग ज्यादा सेटिस्फाई हैं, जिसका मीन कम होगा वहां से लोग कम सेटिस्फाई हैं, और ये वैल्यू कौन बता रहा है, आउटपुट बताएं, आउटपुट समझ आ गई कि हमेशा यूनिवेरिएट एनालिसिस को ही इंटरप्रेट करना है, बट मल्टीवेरिएट हमें उसकी स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस देता है, ये देखिए वेरिएंट कि मीन तो यूनिवेरिएट एनालिसिस है, लेकिन उस मीन को रिलेशन को प्रूव करने के लिए हम क्या लगाते हैं, स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस के टेस्ट लगाते हैं, क्लियर हो गया, और क्लियर है और जी वेरी गुड, अब आते हैं लास्ट टेस्ट पे, एक ही बंदे से डेटा दो दफा नहीं बल्कि दो से ज्यादा दफा दिया, ये मेरे सामने एग्जांपल है, सीडी मिल जाएगी, ये रिकॉर्डिंग हो रही है इसके सारे, आपका नाम क्या है, महरीन, ये वीडियो देख के आप बहुत याद करेंगे मुझे, ये भी रिकॉर्डिंग है इसका, ओके जी, ये डेटा मैंने कुछ पहले सिनेरियो का है, इसको छोड़ दें, इससे कोई तलग नहीं, इससे कोई तलग नहीं, मुझे पता है कि ये कॉन्फिडेंस वन, कॉन्फिडेंस टू, कॉन्फिडेंस थ्री, हमने क्या किया, हमने ना बच्चों को लीडरशिप ट्रेनिंग दी, लीडरशिप मीन था उनको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग वर्कशॉप दी, उनको पूरा महीना वर्कशॉप लेकर पढ़ाया, और फिर उससे कॉन्फिडेंस पे सेटिस्फेक्शन का एक स्कोर मेजर किया कि क्या उनमें कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया, पहले महीने का कॉन्फिडेंस, दूसरे महीने का कॉन्फिडेंस, तीसरे महीने का कॉन्फिडेंस, एक ही ग्रुप है, एक ही स्टूडेंट है, ये मेल फीमेल अमाउंट, लेकिन मैं इसको डिस्कस नहीं करता, ये कॉम्प्लेक्स केसेस है,
अभी कंप्लेक्स छोड़े, अभी ये है कि हमारी क्लास थी, आप क्लास बैठे हैं, हमने आपको स्किल्स ट्रेनिंग दी, आपका सर्टिफिकेशन दिया, फिर ट्रेनिंग दी, फिर दूसरा दिया, फिर ट्रेनिंग दी, फिर तीसरा, जनरली ऐसे ही होता है ना जब आप लोग डाटा लेते हैं। अब आप ये देखें, जैसे टीचर की परफॉर्मेंस मेजर करनी हो, आप टीचर के पढ़ाने का पहले का डाटा लें, मिड का डाटा लें, आफ्टर का डाटा लें, और इसका इसके थ्रू चेक कर दें सारी क्लास का, पता चल जाएगा टीचर अच्छा है कि नहीं अच्छा। अगर अच्छा टीचर हो जाएगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अगर अच्छा टीचर नहीं होगा तो कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। अजम्पशन समझ आ रही है? अगर टीचर अच्छा होगा मतलब मैंने अगर अच्छी ट्रेनिंग दी है तो बच्चों में कॉन्फिडेंस बूस्ट होना चाहिए, अगर मैंने अच्छी ट्रेनिंग नहीं दी है तो बच्चों में कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं होगा। क्लियर हो गया सिनेरियो? सबको क्लियर है? सिनेरियो सबको क्लियर है? अब आप जाएंगे एनालाइज और कंपेयर मींस में नहीं, ये जाएंगे जनरल लीनियर मॉडल्स में और रिपीटेड मेजर्स में। कंपेयर मीन जीएलएम, जनरल लीनियर मॉडल और रिपीटेड मेजर्स में, ये है वन में रिपीटेड मेजर लोहा। क्लियर है? आपके सामने आया था मतलब सिंपल, मैंने एनालाइज, जनरल लीनियर मॉडल और रिपीटेड मेजर पे टिक किया, ये मेरे सामने टेबल आ गया। मैं क्या चेक करने जा रहा हूं, किस फैक्टर को चेक करने जा रहा हूं? कॉन्फिडेंस को। ये जरूरी नहीं नाम कुछ भी लिख सकते हैं, आदर लिख दें, ये आपकी सहूलत के लिए डिस्क्रिप्शन है। क्लियर हो गया? ओके जी, कॉन्फिडेंस हमारे तीन दफा डाटा लिया एक ही बच्चे बच्चों से, तीन दफा, तीन ठीक क्लिक किया, चार पांच दस पंद्रह दफा डाटा लिया, ऐड कर दें, कुछ भी और नहीं करना, डिफाइन कर दें। सिंपल समझ आ गई जी? जितनी से डिफाइन, अब डिफाइन में वो सिचुएशन फेंके, सिचुएशन नंबर वन, सिचुएशन नंबर टू, सिचुएशन नंबर या टाइम नंबर थ्री। क्लियर हो गया? इसमें मॉडल में कुछ नहीं चाहिए हमें, कंट्रास्ट में भी कुछ नहीं, कंट्रास्ट में, हाँ कंट्रास्ट में जब जाना ना, कंट्रास्ट आ रहा है, इसमें हमने रिपीटेड मेजर लगाने हैं, रिपीटेड मेजर आ रहा है नीचे, रिपीटेड जब जाएंगे नीचे कंट्रास्ट में तो पॉलीनोमियल आ रहा है, वहां पे हमने कौन सा लिखना है? रिपीटेड। क्लियर हो गया? रिपीटेड कंटिन्यू। इसके बाद प्लॉट्स हमें नहीं चाहिए और पोस्ट आर्क नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ रिपीटेड आपने लोगों ने टिक करना है। क्लियर हो गया? तो ठीक है, ये काफी सारे टेबल आ गए। अब इस टेबल में, इस टेबल में एक जो टेस्ट जिसे लिवाइन टेस्ट था ना, क्या टेस्ट था? लिवाइन टेस्ट अज्यूम करता है कि डेटे में वेरिएंस इक्वल नहीं है, डेटे में वेरिएंस इक्वल, यहां पे एक टेस्ट है जिसका नाम है सफिरिसिटी टेस्ट, सफियर, सफियर होगा एक सफियर, उसके अपोजिट में होता सफियर, सफिरिसिटी टेस्ट, और ये है मोचनेस टेस्ट ऑफ सफिरिसिटी, मोशली, मोशले बोले या मोचले बोले, मोचले टेस्ट ऑफ सफिरिसिटी, सेम लिवाइन टेस्ट की तरह, इट शुड आल्सो बी इनसिग्निफिकेंट, इट शुड आल्सो बी इनसिग्निफिकेंट, अगर इनसिग्निफिकेंट होगा तो डेटे में, इसमें अज्यूम करेंगे हम लोग कि डेटे में सफिरिसिटी है, डेटे में सफिरिसिटी है, वहां पे वेरियंस है, वेरियंस है लेकिन इक्वल ना हो, यहाँ पे क्या है, यहाँ भी लिवाइन टेस्ट की तरह सेम अजम्पशन है कि डेटे में सफिरिसिटी है, मतलब डेटे में वेरियंस है लेकिन वेरियंस इक्वल नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया? तीन सिचुएशन है, तो सफिरिसिटी अजम्पशन मीट होनी चाहिए, अगर सफिरिसिटी अजम्पशन मीट नहीं होती तो इसका मतलब ये है कि आपका डेटे के जो रिजल्ट है वो वो क्या है, हम उन पे रिलाय नहीं कर सकते। लेकिन अब क्या करें, डाटा तो आ गया, अब स्पिरिसिटी की अजम्पशन मीट नहीं हुई है, उधर लिवाइन की मीट की हुई, पर रिपोर्ट तो करना है ना हम लोगों ने, वहां दोनों टेस्टों में लिवाइन टेस्ट जो है इनसिग्निफिकेंट एज पर रूल आ रहा है, पर यहाँ पे तो स्पिरिसिटी टेस्ट 0.001 इतना सिग्निफिकेंट है, इसका मतलब स्पिरिसिटी की अजम्पशन मीट नहीं हुई। अगर मीट हो जाती तो फिर हमारे रिजल्ट पूरी दुनिया में जहां भी टेस्ट करते हैं आंसर सेम आ जाते,
चले जी अजम्पशन नहीं मीट हुई, अब ये बताएंगे कॉन्फिडेंस पे क्या फर्क पड़ा। तो हम ऊपर मीन में जाते हैं, पहले लेवल का जो कॉन्फिडेंस था यहाँ पे हमने डिस्क्रिप्टिव लिखा, टिक नहीं किया, डिस्क्रिप्टिव उसमें चेक नहीं किया था हमने। अभी जाते हैं एनालाइज में, दोबारा एनालाइज, जनरली मॉडल रिपीटेड मेजर्स डिफाइन हुआ हुआ है, और इसमें पोस्ट आक्स में नहीं जाना हमने, प्लॉट्स में भी नहीं जाना, तो फिर किस में जाना, ऑप्शन में। हाँ ऑप्शन में मैंने टिक नहीं किया था, आपने ऑप्शन में क्या करना है, कॉन्फिडेंस को लेके जाना है ताकि डिस्प्ले करे मीन, किसके कॉन्फिडेंस से क्या करे, तो मीन से पता चलता है ना किसका हाई मीन है, मीन और कंपेयर मीन फैक्ट्स। और ये यहाँ पे ना आपने बोन फेरोनी टिक करना है, ये देखिएगा जरा दोबारा, मैंने क्या किया, वो तीनों कॉन्फिडेंस 1 2 3 पोस्ट किए, कंट्रास्ट में गया और कंट्रास्ट में रिपीटेड चूज किया कंटिन्यू, और उसके बाद ऑप्शंस में जाना है, ऑप्शन में कॉन्फिडेंस को लेके जाना है मीन पे ताकि मीन दिखाए और कंपेयर मीन फैक्ट बताए कि इनके आपस में फैक्ट क्या है। तो उसके लिए जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो बोन फेरोनी का जो बाय स्टैटिस्टिशियन कहते हैं ये सेम चूज करें इस अजम्पशन के लिए। मैं इसके ऊपर कोई बहस नहीं करने वाला, आई एम नॉट स्टैटिस्टिशियन, मैं ये बता रहा हूँ कि इस टेस्ट के लिए बोन फेरोनी टेस्ट लगता है, यहाँ तक हम इसको लिमिट करते हैं। क्लियर हो गया? तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक और ट्रांसफॉर्मेटिव मैट्रिक्स, अगर कोई बंदा चाहता है कि अपना ट्रांसफॉर्मेटिव मैट्रिक्स डेटे में, कोई वालों को शौक होता है काफी सारे पेजों का थीसिस लिखना, ये सारी आपने टिक करते जाएं, टेबल आते जाएंगे, इंटरप्रेशन चाहे ना लेकिन डाल दें कि टेबल डाला, ये मेरे टेस्ट के रिजल्ट है, जो स्टैटिस्टिशियन है वो पढ़े। कंटिन्यू 0.05 सिग्निफिकेंस है, कंटिन्यू ओके। अब यहाँ पे देखें मीन वैल्यू आ गई, मीन वैल्यू जब पहली दफा उनका ट्रेनिंग ली गई तो 19 था कॉन्फिडेंस, दूसरी दफा 21, तीसरी दफा 25, तीनों में डिफरेंस है कि जैसे जैसे ट्रेनिंग देते गए उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है, पर स्फेरिसिटी की अजम्पशन मीट नहीं हुई, स्फेरिसिटी की अजम्पशन मीट है। लेकिन आप लोग यहाँ पे ये है ग्रीन हाउस गेजर, दो किस्म के टेस्ट होते हैं इसमें, किसने टेस्ट होते हैं, दो प्रोफेसर ने ये टेस्ट रन किया है, ये लिखा हुआ ग्रीन हाउस गेजर और दूसरा है हायान हाइने फेल्डिट। होता क्या है कि आपका जो ग्रीन हाउस गेजर टेस्ट है ये रिपोर्ट करता है कि तीनों के दरमियान स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस है तो 0.00 आ रही है, इसका मतलब तीनों में डिफरेंस है, स्टैटिस्टिकली भी डिफरेंस है, पर इस सिनेरियो में हमारी स्फेरिसिटी की अजम्पशन मीट डेटे पर लाइक कर सकते हैं, लेकिन हमें फर्दर डाटा कलेक्ट करना चाहिए फर्दर कंडीशन का ताकि स्फेरिसिटी की अजम्पशन मीट हो, तीन महीनों का डाटा रिलायबल आंसर नहीं दे सकता। अगर आप लोगों का ग्रीन हाउस गेजर टेस्ट इनसिग्निफिकेंट हो जाए फिर आप लोग हैने फेल्डेट का टेस्ट रिपोर्ट कर देंगे, अल्टीमेटली वो टेस्ट जो है सिग्निफिकेंट होगा, अगर वो भी सिग्निफिकेंट नहीं होता तो इसका मतलब आपके डेटे में एसोसिएशन। यहाँ पे दो प्रोफेसर है, एक प्रोफेसर के बड़े सख्त रूल है, उसने डेटे में कट पॉइंट बड़े लगाए हैं, उसका नाम है ग्रीन गेजर, सूलन तौर पर इसका रिपोर्ट कर दें स्टैटिस्टिक, इसके मुताबिक हमारे डेटे में स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस है। लेकिन अगर इनसिग्निफिकेंट हो तो आप क्या करेंगे, नीचे वाला टेस्ट देखिए सिग्निफिकेंट है, वैसे होता है क्या दोनों सिग्निफिकेंट होंगे या दोनों इनसिग्निफिकेंट, लेकिन अगर एक होता है जो एक 94% परसेंट हो रहा होता है, एक 91% परसेंट हो रहा, 95% एक्सेप्ट हो रहा था, जो ग्रीन गेजर है वो 94% वाले को माफी नहीं देता, जो दूसरा टेस्ट है वो कहता है 94% है, वो इसमें एक दो वैल्यू को डिग्री ऑफ फ्रीडम को एडजस्ट करता है तो वो सिग्निफिकेंस आ जाती है। तो ये डिपेंड करता है आप पर कि आप अपने रिजल्ट को सपोर्ट करवाना चाहते हो कि रिजेक्ट करवाना चाहते हो, अगर वो दोनों में डिफरेंस हो, वरना जल्दी दोनों सिग्निफिकेंट होंगे या दोनों क्या होंगे, इनसिग्निफिकेंट होंगे। तो स्फेरिसिटी की अजम्पशन मीट नहीं हुई, ये मीट नहीं हुई, इसका मतलब डाटा और कलेक्ट करें, लेकिन इसके बावजूद हमारी कॉन्फिडेंस लेवल बच्चों का बड़ा है जैसे जैसे उनको ट्रेनिंग दी गई है। तो दिस इज द फोर टेस्ट रिपीटेड मेजर टेस्ट, और ये थे हमारे नॉन पैरामेट्रिक कंपेयर मीन के चार टेस्ट, और यही दुनिया पूरी में यूज होते हैं। अब जो आगे है ना मनोवा एंड कोवा एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस मल्टीवेरिएंट एनालिसिस ऑफ वेरियंस, उसमें क्या होता है कि कंट्रोल वेरिएबल आ जाएंगे, मीडिएटर आ जाएंगे, मॉडरेटर आ जाएंगे, वरना दो वेरिएबल का आपस में रिलेशनशिप के ये मैक्सिमम टेस्ट है, यकीन जाने के लिए सीख ले तो जिंदगी बदल जाती है। मैं तो कहता हूँ मैंने तो बहुत उसमें से काम भी किया है और एनालिसिस भी किया है।